हेलो, हाउ आर यू एवरी वन? सो सॉरी फॉर बीइंग लेट. इज़ माई ऑडियो क्लियर टू एवरी वन? हेलो रत्ना शुक्ला, हेलो जरीन जी, हेलो रोहित कुमार जी. सो मेरी ऑडियो क्लियर है ना सबको? सॉरी फॉर बीइंग लेट एंड ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट एनी डिले. सो ओके, मुझे बस कमेंट सेक्शन में बता दो मेरी ऑडियो क्लियर है ना सबको. क्लासेस यस. सो ओके या इफ एनीवन वांट्स टू गेट जॉब अपडेट एंड इफ़ यू वॉन्ट टू गेट रिक्रूट इन एनी स्कूल एंड कॉलेज एज अ टीचर एज असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर, सो यू कैन सब्सक्राइब एंड आर फॉलोइंग अस इन ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ऑल्सो. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. दिस इज़ आर टाइम टेबल एज यू ऑल नो. यस मैम, ऑल इज़ वेल. या आई नो ऑल इज़ वेल. ओके, हम कारक कर रहे थे. सो हमारा कारक का फर्स्ट पॉइंट हो चुका था. वी आर ऑन द सेकंड, प्रकार और भेद. गुड इवनिंग पूजा जी. सो जल्दी जल्दी मुझे बता दो, जल्दी जल्दी आ जाओ एंड कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन दैट माय ऑडियो इज़ क्लियर टू एवरीवन ना. मैम हिंदी में बोलिए. हिंदी में ही बोल रही हूँ मैं. फरहान अहमद, हाय मैम. हेलो फरहान जी. सो आई एम गेटिंग स्टार्ट द क्लास. मैं स्टार्ट करती हूँ क्लास. कर्म कारक. कर्म कारक क्या होता है? जिस वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता है संज्ञा के उस रूप को कर्म कारक कहते हैं. इसका विभक्ति चिन्ह को है. ठीक है, को इसका विभक्ति चिन्ह है. और जिस वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता है, मतलब जिस पर क्रिया या जो हम कुछ भी काम करते हैं उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है संज्ञा के उस रूप को कर्म कारक कहते हैं. जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ मारने की क्रिया का फल रावण पर पड़ रहा है. ठीक है, मारा किसको? राम को. रावण को किसने? राम ने. उसने पत्र लिखा, यहाँ लिखना क्रिया का फल है. पत्र पत्र है, अतः पत्र कर्म है. सो ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है दैट व्हाट इज कर्म एंड व्हाट इज कारक इज. सो जल्दी जल्दी लिख लो एंड आफ्टर दैट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैम आपका साउंड बहुत अच्छा है. थैंक यू सौरभ जी. अंजलि, गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग अंजलि जी. ठीक है, ये लिख लो. आफ्टर दैट आई विल मूव अहेड. हो जाए तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, फिर हम आगे बढ़ेंगे. आज हमको दो टॉपिक अपने पूरे करने हैं. इसके बाद हमारा मुहावरे और लोककृतियाँ भी है, जो कि बहुत छोटा टॉपिक है. सो आई थिंक दैट कि वो इस क्लास में हो जाए. विहाना, हेलो विहाना जी, गुड इवनिंग. सो हो गया. क्या मैं चेंज करूँ इसको, आगे बढ़ूँ? सौरभ पांडे, आई ऑल्सो ऑल्सो सीन योर मैसेज. आई हैव ऑलरेडी सीन योर मैसेज दैट गुड इवनिंग मैम. सो वाई आर यू सेंडिंग अगेन एंड अगेन? शोभा पांडे. ओहो शोभा पांडे है. हाँ जी, गुड इवनिंग शोभा पांडे जी. पार्थ प्रो, ओके.
सो ओके, शुड आई मूव अहेड, आगे चलते हैं। दोबारा बताए बातें बातें करो, दोबारा बताती हूँ, दोबारा बता देती हूँ। देखो, कर्म कारक किसे कहते हैं? जब कुछ काम करते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ रही हूँ, नोट कब मिलेगा मैम? नोट्स आपको 27 से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, 26 to 27, सारे सब्जेक्ट्स के, हिंदी के ही नहीं, सारे के। ठीक है, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग एस के जी, ठीक है रोहित जी। सो दोबारा बताती हूँ, जिस वस्तु का क्रिया पर फल पड़ता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पर क्रिया का फल किसको मिल रहा है? आपको, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, संज्ञा के इस रूप को कर्म कारक कहते हैं। सो ये है बात, समझ आ गया? गुड इवनिंग, ओके। सो ओके, आगे चलते हैं। करण कारक, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो, उसे करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है से या द्वारा। राम ने रावण को बाण से मारा, यहाँ राम बाण से या बाण द्वारा रावण को मारने का काम करता है, यहाँ बाण से करण कारक है। मतलब जिसके थ्रू काम हो रहा है वो आपका क्या है? करण कारक है। ठीक है मैम, सिर्फ आप हिंदी पढ़ाती है? हाँ जी, मैं हिंदी ही पढ़ाती हूँ। क्यों? ओके, पता चल गया ना, करण कारक किसको कहते हैं? हिंदी ग्रामर के कितने नंबर सीटेट में आता है मैम? 15 या 20, ठीक है, 15 या 20 आता है। सो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कहीं कहीं होती, कहीं नहीं होती, सो मुझे नेगेटिव मार्किंग का नहीं पता, दैट होती है नहीं, मे भी होती है। सो आगे चलते हैं। संप्रदान कारक, देखो आज थोड़ा स्पीड में बकल अप होना है हमें, क्योंकि दूसरा टॉपिक भी कराना है आज साथ के साथ, और भी पढ़ना था आपसे। क्या पढ़ना था आपको मुझसे? मुझे बताओ, मैं पढ़ा दूंगी आपको, पढ़ाई के लिए मैं कभी मना नहीं करती। ओके, सो इट विल गुड फॉर मी इफ़ यू ऑल लाइक माई क्लास, प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है, आगे चलते। संप्रदान कारक, संप्रदान का अर्थ है देना। संप्रदान का क्या अर्थ है? देना। जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए, उसका बोध कराने वाला संज्ञा के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए या को। ठीक है, जैसे मोहन ब्राह्मण को दान देता है, या ब्राह्मण मोहन के लिए दान देता है। ठीक है, यहाँ ब्राह्मण को या ब्राह्मण के लिए संप्रदान का कारक है। मतलब देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा? जिसकी बात होती है, जिसके लिए बोला जाता है, जिसकी जिसके ऊपर सारी पूरा वाक्य बेस होता है कि मैंने उसको मारा, तो मैंने किसको मारा? उसको। तो पूरा वाक्य किस पे बेस है? उसको, उसके पे बेस है। जैसे राम ने श्याम को मारा, तो राम ने किसको मारा? श्याम को। तो पूरा वाक्य किस पे बेस है? श्याम को। तो पूरी चीज़ें ना श्याम के लिए होंगी। ठीक है, सो ये लिख लो, उसके बाद हम आगे चलेंगे। मैम मॉर्निंग में भी लगती है आप क्लास? नहीं, मेरा ना टाइम 10 PM है। ओके, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है मैम। ओके, सबके ना क्लासेस के टाइम रहते हैं अंजलि जी, 1-1 घंटे की क्लास होती है। सो मैंने अपना टाइम रात का चुना था, क्योंकि मैं रात को फ्री होती हूँ, सो दैट्स वाई मेरा टाइम 10 PM है। सो ये लिख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, ओके मैम, ओके। आपादान कारक, संज्ञा के जिस रूप से अलगाव का बोध हो, उसे आपादान कारक कहते हैं। इस विभक्ति से, इसका विभक्ति चिन्ह है से। जैसे अलगाव मतलब किसी की रुकावट का, किसी की लड़ाई का, या कुछ बोध हो उसको। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। मदन घोड़े से गिर पड़ा, मतलब अलगाव मतलब कुछ कुछ अलग होना, कुछ गिर जाना, किसी की लड़ाई होना, कुछ, ठीक है, जो बुरा होता है उसको कहते हैं अलगाव। किसी चीज़ में अलगाव लगाना, अटकाव लगाना। ठीक है, यहाँ वृक्ष से और घोड़े से अपादान कारक हैं। अलग होने के अतिरिक्त निकलने, सीखने, उड़ने,
लजाने अथवा तुलना करने के भाव में भी इसका प्रयोग होता है। निकलने, सीखने, उड़ने, लजाने, तुलना या भाव इसका प्रयोग होता है। ठीक है, ये लिख लो, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ईवीएस की कब होती है क्लास में आपको भी लास्ट में टाइम टेबल दिखा दूंगी, उसमें आपको पता लग जाएगा ईवीएस की कब होती है। ठीक है, क्लास निकलने के अर्थ में गंगा हिमालय से निकलती है। उड़ने के अर्थ में चोर पुलिस से उड़ता है, उड़ता मतलब बचता है। सीखने के अर्थ में विद्यार्थी अध्यापक से सीखते हैं। लजाने के अर्थ में वह ससुर से लजाते हैं, लजाते मतलब शर्माना। तुलना के अर्थ में राकेश रूपेश से चतुर है, किसी से तुलना करना एज यूजुअल सबके घर में होता है, उसको देख वो तेरे से अच्छा पढ़ती है, उसको देख ये करती है, तू क्या करता है, तेरी तो नौकरी नहीं लगी, ये एज यूजुअल जो सबके घर में चलता है, मेरे में भी चलता है। मैम अलंकार भी पढ़ा दीजिए प्लीज। रत्ना जी अलंकार हो गया है कब का? गुड इवनिंग हो गया मैम, गुड इवनिंग चुन्नी जी। ओके, दूरी के अर्थ में पृथ्वी सूर्य से दूर है। सो ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उसके बाद हम आगे चलेंगे। मैम आपके फुल नोट्स चाहिए, आपको नोट्स 27 से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो मैं आपको लिंक दे दूंगी, उस पर से आप लिख ले सकते हैं। आगे चलते हैं। संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य कि दूसरी संज्ञा से प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। मतलब जिसे संबंध दर्शाया जाए, रिलेट हो, कोरिलेशन हो, ठीक है, उसको कहते हैं संबंध कारक। जैसे इसके परसर्ग का, के, की, ना, ने, नो, रा, रे, री आदि। ठीक है, दोबारा नहीं पढ़ा देगी मैम प्लीज़? हाँ मैं पढ़ा दूंगी दोबारा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हेलो लालती जी, मैम संज्ञा पढ़ा दो प्लीज़। सर्वनाम, सर्वनाम अभी हुआ नहीं है फरहान जी, संज्ञा हो चुका है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए सब कि कौन कौन से टॉपिक दोबारा पढ़ाऊँ। अलंकार पढ़ाऊँगी कल, संज्ञा पढ़ा दूँगी कल, सर्वनाम अभी होगा। ठीक है, सो ये दो कल मैं दोबारा ओवरव्यू करा दूँगी, और कोई कराना हो तो बताओ।
जैसे राजा दशरथ का बड़ा बेटा राम था, राजा दशरथ के चार बेटे थे, राजा दशरथ की तीन रानियां थी, ठीक है? सो ये लिख लो, नोट्स पेड नहीं होंगे, नोट्स फ्री हैं। और मैम आप अदर सब्जेक्ट भी पढ़ाते हो? नहीं, मैं हिंदी की टीचर हूँ फिलहाल, मैं जनरल हिंदी पढ़ाती हूँ, मैं हिंदी लिटरेचर भी पढ़ाती हूँ, बस मैं हिंदी ही पढ़ाती हूँ फिलहाल। जब हो जाए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर हम आगे चलेंगे। मैम नोट्स कब मिलेंगे? 27 को मिलेंगे नोट्स, आई विल लेट यू नो विद द लिंक। आगे चलते हैं। विशेष, विशेष मतलब इम्पॉर्टेंट नोट्स, ठीक है? संबंध कारक की विशेषता है कि उसकी विभक्ति का के की है, ठीक है? संज्ञा लिंग वचन के अनुसार बदल जाती हैं, ठीक है? जैसे लड़के का सिर दुख रहा है, लड़के के पैर में दर्द है, लड़के की टांग में चोट है, ठीक है? ये लिख लो, बहुत इम्पोर्टेंट है। नोट्स फ्री होंगे? हाँ जी, नोट्स फ्री होंगे, 27 को मिलेंगे, नोट्स फ्री हैं। कोई और क्वेश्चन है तो पूछो, ये लिख लो, उसके बाद आगे चलते हैं हम, ठीक है? हैंड रिटन में नहीं दे सकते, क्योंकि ना बहुत सी बार ऐसे होता है कि मेरी राइटिंग में बहुत से कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि मैं उन्हें अलग तरीके से बनाऊं और आपको समझना है। सो मैंने खुद बाय हैंड टाइप करे हैं वर्ड में, सो आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स मैं प्रेफर नहीं करती, क्योंकि राइटिंग सबकी अलग होती है, सो फिर बाद में आपको डिफ़िकल्टी हो, सो इट विल नॉट गुड। मैम जी एन, ओके, गुड नाइट शोभा जी, ठीक है? जब ये हो जाए मुझे बता देना, उसके बाद हम आगे चलेंगे।
जी एंड मैम हो गया मैम ओके ठीक है। अधिकरण कारक, अधिकरण का अर्थ है आधार या आश्रय। आश्रय मतलब किसी पर आश्रित होना, किसी पर निर्भर होना। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार, स्थान, समय, अवसर आदि का बोध हो उसे अधिकरण कहते हैं। सॉरी, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के थ्रू स्थान, समय और अवसर का बोध हो, अवसर का पता चले उसे अधिकरण कहते हैं। इस कारक की विभक्ति चिन्ह है में, पे, पर। ठीक है, जैसे उस कमरे में चार चोर थे, मेज पर पुस्तक रखी थी। तो ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स आपको 27 को लिंक मिल जाएगा, मैं बता रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ। शोभा जी, पार्थ जी, सॉरी। सो के आगे चलते हैं। निशा कुमारी, हेलो। संबोधन कारक, शब्द के जिस रूप से किसी के संबोधित किया जाए, किसी को संबोधित कह सकते हैं, बुलाया जाए, किसी को सुशोभित किया जाए, किसी को पुरस्कृत की तरह कहते हैं कि संबोधन करते हैं उनका, ऐसे पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसमें हे, अरे का प्रयोग होता है। किसी को बोला जाए कि ओए धरा, हे भगवान ऐसे मत कर, तो हम ए ओए, ये जो हमारी भाषा होती हैं इनको यूज़ करते हैं। जैसे हे प्रभु क्षमा करो, अरे बच्चों शांत हो जाओ। विशेष, कभी कभी नाम पर जोर देकर संबोधन का काम चलाया चला लिया जाता है। वहाँ 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 कारक चिन्हों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अरे आप आ गए, अजी इधर तो आओ, ऐसे बोलते हैं ना, टोन में, टोंट भी बोलते हैं हम उनको। तो ये हो जाए तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, फिर हम आगे चलेंगे। अब हमारा दूसरा टॉपिक है मुहावरे और लोकोक्तियां। लोकोक्तियां, ठीक है, जल्दी जल्दी मुझे बता दो। इज देर एनी डाउट इन कारक टॉपिक, सो मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं, नहीं तो हम लोक को मुहावरे और लोकोक्तियां स्टार्ट करते हैं।
मैम कराओ, और बाकी पेपर कमेंट सेक्शन में बता दो आके, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ, आपको करा सकूँ टॉपिक। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। कराएं मैम जी। ओके रेनू जी, मैम चीनी भाषा के शब्द क्या क्या होते हैं? चीनी भाषा के शब्द क्या क्या होते हैं हिंदी में, या उनकी लैंग्वेज के ही पूछ रही हो? पढ़ना ही नहीं आ रहा है आपको, पढ़ाना ही नहीं आ रहा आपको, तो आपको तो और इतना लेट कौन पढ़ाता है, इतना स्लो, इतना फास्ट, थोड़ा फास्ट चलाइए मैम। फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन पूजा जी, आई एम नॉट टेकिंग हेयर योर ओपिनियन, एंड अगर मुझे पढ़ाना नहीं आता तो मैंने आपको नहीं बुलाया। यू कैन गो एंड यू कैन लीव, आई एम नॉट इन्वाइटिंग यू दैट प्लीज़ कम एंड टेक माई क्लास। इट्स यू हु कम इन माई क्लास एंड टेकिंग इट, ओके? सो आई एम नॉट आंसरेबल टू यू, एंड यू आर नॉट एनी वन हु कमेंटिंग ऑन माई टीचिंग स्किल, सो प्लीज़ डोंट डू दैट, डू योर वर्क, ओके? मुहावरा, ऐसे पदबंध को कहा जाता है जिसकी शाब्दिक अर्थ तो कुछ और निकलना है और परंतु लक्षणिक अर्थ कुछ और निकलता है। ठीक है, जैसे वह चौंकना सॉरी, मैं चौकन्ना हो गया। इस वाक्य में चौकन्ना का अर्थ है चार कानों वाला होता है, परंतु कोई भी मनुष्य चार कानों वाला नहीं होता, अतः इसे लक्षणिक अर्थ हुआ है बहुत सावधान। ठीक है, मुहावरा शब्द मूलतः अरबी शब्द का, अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। ठीक है, सो मुहावरा वर्ड है कि हम उसका अर्थ कुछ और होता है, लेकिन हम उसे टोंट के वे में यूज करते हैं किसी के लिए। जैसे मैम, जैसे मैं देसी भाषा, कटोरा की देसी भाषा में क्या? लालती जी, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है जो आप मेरे से पूछ रही हैं, बट हाँ मैं कल पढ़ के आपको बता दूंगी। मैम आप ऐसे लोगों को इग्नोर करिए, नो इट्स ओके, क्योंकि एक अकेले आप नहीं हो, सब है पढ़ने वाले। सो हाउ कैन बी आई एम सो फास्ट? आप अगर जल्दी जल्दी कर रहे हो, मुझे पूरी क्लास देखनी होती है। ठीक है, अभी फ़िलहाल मेरी लाइव 200-300 बच्चे देख रहे हैं। मैं आप लोगों को जो 10-12 कमेंट करे, सिर्फ उनके हिसाब से नहीं चल सकती। हु आर नॉट डूइंग कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, मुझे वो भी देखने होते हैं, ओके? अगर मैं जल्दी जल्दी गाती हूँ, जल्दी जल्दी गाना सुना के चली जाऊँ, पढ़ा के चली जाऊँ, वो समझना है, तो मेरी पढ़ाई का, मेरी मेहनत का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, लोकोक्तियाँ किसी दृष्टांत, घटना या परिस्थिति पर आधारित कथन होता है। लोकोक्तियाँ सामाजिक नीति और आदर्श स्थापित करने का माध्यम बनती हैं। लोकोक्तियाँ सूक्ति और सुभाषित भी कहा जाता है। लोकोक्तियाँ जैसे बोलते हैं ना, एक बार ऐसे हुआ था, उसने ऐसे कर देते होते, लोकोक्तियाँ सामाजिक नीति और आदर्श स्थापित करने का माध्यम होते हैं। इससे ना बताया जाता है कि अरे ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे हो जाता है, वैसे मत करो, ऐसे हो जाता है। जैसे बोलते हैं सबर का फल मीठा होता है, तो ये होते हैं हमारी लोकोक्तियाँ, ये मुहावरा नहीं है। सो मुहावरा लोकोक्तियों में फर्क है। मुहावरे की विशेषता क्या होती है? चीनी भाषा को कैसे पहचाने? मैं इसे इसके बारे में कल पढ़ के लालती जी आपको बताती हूँ। मैम आपको आ रहा है पर समझ नहीं पा रही, शायद ऐसे हो सकता है। ठीक है, मुहावरे प्रसंग का अनुरूप अर्थ देते हैं। मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता, मुहावरे का सामान्य अर्थ नहीं, विशिष्ट अर्थ लिया जाता है। मतलब मुहावरा पूरा नहीं होता, ठीक है, दो तीन वर्ड्स का होता, दो तीन उनका होता है समूहों का, ठीक है, और उसके बाद इसका सामान्य अर्थ नहीं होता, अलग अर्थ होता है कुछ। ठीक है,
मुहावरा लोकोक्तिया में अर्थ, मुहावरा स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, लोकोक्तियाँ स्वतंत्र प्रयोग होती हैं। मुहावरा वाक्यांश है, लोकोक्ति वाक्य है। मुहावरे में कालवचन पुरुष के अर्थ अनुरूप परिवर्तन हो जाता है, लोकोक्तियाँ स्वरूप अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, सो क्या है, मुहावरा स्वतंत्र नहीं होता, लोकोक्तियाँ स्वतंत्र होती हैं, और मुहावरा वचन काल के हिसाब से चेंज हो जाता है, लेकिन लोकोक्तियाँ क्या नहीं होती, अपरिवर्तित रहती हैं। ठीक है, मुहावरे जैसे अंडे, अंडे सेना, घर में ही बैठे रहना, घर में पड़े पड़े अंडे सेने से काम नहीं चलेगा, बाहर निकल कर कुछ काम करो। आकाश पाताल का अंतर होना, बहुत अधिक अंतर, अधिक अंतर हमारी तुम्हारी हैसियत में आकाश पाताल का अंतर है। जैसे हम बोलते हैं एक ही थैले के चट्टे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, जैसे बोलते हैं कि तुम तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो भाई, तुमसे नहीं बात कर सकते। ठीक है, गर्दन पर चूरी फेरना, किसी का अनिष्ट करना, मेरे रिश्तेदार है किसी की हमेशा मेरी गर्दन पर चूरी फेरने में फिराक में रहता है, मतलब कहते हैं ना कि जब भी रिश्तेदार आते हैं तो अजी ये क्या पढ़ रहा है, इसका ये नहीं हो रहा क्या, वो नहीं करा रहे क्या इसका, सो किसी को घेर लेना, रिश्तेदार तो ऑलवेज घेरते ही हैं, तो उसको कहते हैं गर्दन पर चूरी फेरना। चींटी के पार निकलना, मृत्यु के सन्निकट होना, आजकल वह पुलिस को चुनौती देना लगाया, चींटी के पार निकल आया, मतलब बाल बाल बचना। इन इजी लैंग्वेज आई कैन एक्सप्लेन यू। लोकोक्तियाँ कौन कौन से, अंडे बांटने, रेवड़ी फिर मेरे, फिर अपने को ध्याय, अपने संबंधियों को ही लाभ पहुंचना, कवर्ष जब कृषि सुखाने, मौका निकल जाने पर सहायता करना व्यर्थ है, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सुख के समय बहुत थोड़े दिन के लिए आते हैं, तीन लोक में मथुरा न्यारी, अन्य से विशिष्ट या भिन्न होता है, धन का धन गया, मीत की मीत गई, उधार देने में पैसा और मित्रता दोनों जाती हैं। ठीक है, सो इसमें ना यूज़ नहीं करते लोकोक्तियाँ, हम जस्ट वाक्य नहीं बनाते, इसको मेन वो लोकोक्तियाँ बोलते थे, जैसे हम बोलते ना कि सहज सहज पके सो मीठा होए, सो हम किसी को यहाँ पे ना पॉइंट आउट नहीं करते, हम डायरेक्ट बोल देते हैं, बाप बड़ा ना भाई सबसे बड़ा रुपये, ये तो सबको पता होगा, यहाँ मुँह और मैसूर की दाल, ये भी सबको पता होगा। सो ये आपका मुहावरे लोकोक्तियाँ भी समाप्त हो जाता है यहाँ पे। सो मुझे अब बताओ, किसी को कोई डाउट है, हाँ अगर किसी का कोई स्लाइड रह गया हो, किसी को लिखना हो तो वो बता दो, आई कैन शो यू अगेन। थैंक यू मैम, थैंक यू निशा कुमारी जी, पूजा यादव, ओके मैम आगे कराओ। फरहान जी, आज के टॉपिक सिर्फ दो थे, कारक और मुहावरे लोकोक्तियाँ, सो आपके हो गए हैं ख़त्म। MCQ कब करवाओगे? अब इसके बाद आपका सर्वनाम टॉपिक है और एक आठ टॉपिक और है, फिर अब मैं सबके साथ आपको MCQ करा दूँगी, डोंट वरी अबाउट दैट। सो किसी को कोई डाउट है इतने में तो पूछ लो, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, किसी की कोई स्लाइड रह गई हो तो वो पूछ लो।
ओके मैम, ओके रीनू जी, ओके विहाना जी। सो कोई डाउट हो तो पूछ लो, ज़रूरी नहीं है सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछो, कुछ भी डाउट हो, किसी भी चीज़ में डाउट होता है लोगों को पूछ सकते हैं, पूछ लो। थैंक यू सो मच भाई। मैम इंग्लिश लैंग्वेज सिखा दो, मुझे खुद नहीं आती, मैं आपको क्या सिखाऊं। ट्राई करूंगी सिखाने की, क्यों नहीं सिखाऊंगी। वेरी वेरी नाइस क्लास मैम। थैंक यू सो मच मैम। पेपर कैसे हो जाएगा, क्या पूछ रहे हो पार्थ जी, मुझे समझ नहीं आया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो मैंने क्या करा कि जैसे अकेले बैठे रहते हैं या हमारे सबके फ़ोन में वॉइस नोट होता है रिकॉर्ड करने के लिए, तो मैं कोई भी अपने मन में टॉपिक सोचती थी या गूगल पे कोई भी टॉपिक निकालती थी, तो मैं कोशिश करती थी कि उसे इंग्लिश में बोलूं, और जिस वर्ड में मुझे दिक्कत होती थी ना, मैं उसको गूगल पे देख के फिर उसे यूज़ करती थी अपने वर्ड्स में, अपनी बातों में, कि मैं उसको यूज़ कैसे करूँ। सो कुछ नहीं होता इंग्लिश में, आपको सीखने में सिखा दूँगी, बहुत ईजी लैंग्वेज होती है इनफैक्ट। मैम पीजीटी के पेपर का सिलेबस भी यही है क्या? पीजीटी का, हाँ जी, बट मैंने अभी तक देखो जर्नल हिंदी का जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना रीनू जी, ये आपका, आप किसी भी गवर्नमेंट पेपर को ले लो, सीटेट ले लो, पेपर वन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। किसी भी पेपर को ले लो रिगार्डिंग गवर्नमेंट, कुछ भी ले लो, आपको जर्नल हिंदी इसी से रिलेटेड आते, यही आपका सिलेबस रहता है, ठीक है। अगर आप सेकंड पेपर हिंदी की बात करते हो, हिंदी साहित्य की बात करते हो, तो उसके टॉपिक्स अलग है, लेकिन फर्स्ट पेपर में जर्नल हिंदी में सारे जो टॉपिक्स मैं आपको करा रही हूँ ना, वो है रेनू जी, ठीक है। सो आपको आ गया ना समझ, और किसी को कुछ पूछना तो पूछ लो। हाँ देखो कल मैं दो टॉपिक और ख़त्म करा दूंगी और आपका टॉपिक सारे ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको एमसीक्यू रोज़ कराऊंगी, ठीक है। सो उसमें आपको पता चलेगा कि आप लोग कहाँ स्टैंड करते हो, आप लोगों ने कितनी तैयारी की हुई है, ठीक है। सो एमसीक्यू जब होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि मैं एमसीक्यू ऐसे बनाती हूँ कि सब चीज़ों के पे बुक्स लेके, सब चीज़ों को लेके फिर तैयार करती हूँ। मैम जी मेरे पास आपकी वीडियो आई है अभी, जैसे ही मैं ऑनलाइन आई हूँ ना, कि मैम आपके पास गई समझे, और आप कौन कमेंट कर रहा है, ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना, मैं रोज़ पढ़ती हूँ बीके शिक्षा पर। ओके कोई नहीं पूजा जी, छोड़ो बिना बात की, कोई नहीं हो जाता है, छोड़ो इस बात को, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट ठीक है, इट्स ओके। माई मिस्टेक हो गया होगा, आप इतना माइंड मत करो, हो जाता है। पढ़ाई की बात करते हैं, ये सब बातें है ही नहीं, छोड़ो। कुछ पूछना है पूजा जी आपको, मैं गुस्सा नहीं होती इन बातों पे, ओके हो जाता है गलती से, बट डोंट टेक इट सीरियस, डोंट माइंड इट। प्राइस की कोई भी बात करनी हो आप पूछ लो मेरे से, मैं इतनी चीज़ों पे ध्यान नहीं देती। हाँ मैं कुछ बता रही थी शायद आपको, मैं भूल गई मैं क्या बता रही थी, एमसीक्यू कराने थे वो बात भी हो गई थी। हाँ मैं बता रही थी कि जर्नल हिंदी का सिलेबस सही रहता है, मे भी ये भी बता दिया था मैंने। ओके मैम थैंक्स, ओके रीनू जी। सो कुछ और पूछना है किसी को तो बता दीजिए।
किसी को कहीं कुछ भी पूछना हो, ज़रूरी नहीं है कि आप पेपर से रिलेटेड पूछोगे तो ही मैं आपको बताऊंगी। पूजा जी मत करो क्लास, आप छोड़िए, वो बाय मिस्टेक हो गया होगा, आप इन चीज़ों का इतना बड़ा इशू मत बनाइए, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसे, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, ठीक है छोड़ो। ठीक है, आप पढ़ाई की बात करो सब। हाँ, मैं आपसे ये सब कह रही थी, जो अब नए बच्चे आने लग गए, मैं अपने पुराने बच्चों को बताया हुआ, जब भी आप पढ़ते हो ना, एक चीज़ हमेशा करा करो, और वो क्या है, जस्ट डू मेडिटेशन बिफोर योर स्टडी, ठीक है, एंड आफ्टर दैट यू विल सी द चेंजेस। जो भी टॉपिक है ना, आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई मेरे से याद नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल टॉपिक है, जिससे जिससे आप लेट इट गो करते हो, जिस पे ध्यान नहीं देते, जो आपको लगे कि भाई ये तो मैं छोड़ ही दूँ, उसे पढ़ने से पहले, दिन हो, रात हो, दोपहर हो, शाम हो, कभी भी 2 मिनट बैठ के मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ एक जगह, फिर उसके बाद उस टॉपिक को पढ़ो। मैं गारंटी देती हूँ आपको टॉपिक 2 मिनट में समझ आ जाएगा, और आपको उस टाइम जो आप पढ़ोगे ना, ज़रूरी नहीं सुबह उठ के पढ़ो, किसी किसी की आदत होती है रात को पढ़ो, आई एम गारंटिंग यू हेयर कि आपको सारा आ जाएगा। ठीक है, सो शुड वी एंड द क्लास? चलो सो जाते हैं सब, कल मिलेंगे 10 बजे जैसे हम रोज़ मिलते हैं। सो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। और पूजा जी, मैं गुस्सा नहीं हूँ आपसे, इस बात को हैंग ख़त्म कर दो, ठीक है। कल हम 2 टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कल सब आना, और फिर फटाफट से अपना सिलेबस ख़त्म करके MCQ करेंगे। MCQ मैं आपके बहुत ध्यान से बनाती हूँ, तो आप उसको मिस मत करना, क्योंकि उससे पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी कितनी तैयारियाँ हो चुकी हैं। ठीक है, ओके मैम, गुड नाइट। चलो ये बात अच्छी लगी आपकी मुझे, मैम आपकी क्लास मैं ले लूँ, आप मैं आपकी क्लास मैं ले लूँगी। आई डोंट नो व्हाट आर यू ट्राइंग टू से पूजा जी, इट्स अप टू यू, आई एम नॉट रिक्वेस्टिंग टू यू दैट प्लीज़ टेक माई क्लास, इट्स अप टू यू, सो प्लीज़ डोंट से दिस दैट मैं आपकी क्लास मैं ले लूँगी, आपकी मर्जी है, मैं आपको नहीं बुला रही। आई डोंट नो वॉट आर यू ट्राइंग टू से, बट इट्स गेटिंग वेरी रॉन्ग। ओके विहाना जी गुड नाइट, पूजा यादव जी गुड नाइट, फरहान जी गुड नाइट, चलो गुड नाइट एवरी वन हु आर कमेंटिंग कंटिन्यूसली इन माई क्लास, थैंक यू सो मच। आप जैसे लोग होते हैं ना, आप जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ाने में मज़ा आता है, इंटरेक्शन होती है, सो ध्यान से पढ़ना, अच्छा फ्यूचर हो आप सबका, तो आप आराम करो, ठीक है, गुड नाइट, बाय, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर एवरी।